YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपने यूनिवर्सिटी का एक टूर। और फिलहाल हमारे रूम में अभी चल रहा है ये कौन सी मसाज है, चंपी मसाज, जो रणधीर कितने रुपए में देता है? 100 रुपए, ओनली 100 रुपीज। और ये बहुत बड़े डीलर है बटेट। ओके, ये प्राइवेट है, बाद में बताएंगे, है ना। हाँ, हॉस्टल टूर बाद में देंगे, आज यूनिवर्सिटी टूर देंगे, हॉस्टल टूर किसी और दिन फुर्सत से देंगे। तो गाइज, यूनिवर्सिटी ब्लॉग हम शुरू करेंगे अपने मेन गेट से, अभी वहाँ जाएंगे हम। और आज हमारे वीडियो में साथ देने वाले हैं पवन चौधरी, जो कि हमारे क्लासमेट्स हैं और भाई जैसे ही दोस्त हैं थोड़े, क्रिमिनल पार्टनर। मैं कहाँ करता हूँ यार भाई, तो मुझे लपेट लो। गाइस, दिस वन इज़ अवर हॉस्टल बिल्डिंग। ये हम आपको अगली वीडियो में बना, मतलब इसका टूर अगर आपको बाद में देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और आज हम लोग पहले यूनिवर्सिटी टूर देंगे, है ना बोन? हाँ, और फिर हमारी एक आध तो मीटिंग भी है। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का 2 नंबर गेट, और कभी भी आप, मतलब एक तरीके से ये यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। जब भी आप कभी अंदर आना चाहोगे तो आपको यहीं से अंदर एंट्री मिलेगी। और यहाँ का व्यू कैसा है एक बार दिखा दो पवन जी। वो हमारी चेक पोस्ट है, वो वहाँ पर जहाँ गार्ड भैया खड़े हैं वो चेक पोस्ट है। एंड गाइस, आते ही सामने महाकाल है, इसको तो अभी अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे ही। और यहाँ बाजू में है ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम बोलते हैं, ऑडिटेरियम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मृत्युंजय ऑडिटोरियम है। यहाँ जब भी कुछ बड़ा प्रोग्राम होता है तो यहीं पर होता है, सेलिब्रिटी आते हैं जैसे शिवम पुजारा, पवन सिंह पहुँचाते है ना तो हम लोग ऑडिटोरियम नाम। हाँ, अभी बंद है क्योंकि अभी प्रोग्राम नहीं चल रहे। बाकी मैं अंदर की फुटेज वगैरह मेरे पास पड़ी है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो गाइस, अभी जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये वृक्षारोपण करा था। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आए थे, रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने भी यहाँ वृक्षारोपण कराया। गाइस, अब हम आप लोगों को ले जाएंगे महाकाल के दर्शन करवाने, जो कि इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है। मतलब आप अंदर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ये है मैसॉल की बिल्डिंग, अब आपको अंदर से दिखाएंगे। और भैया बढ़िया, भैया आप बताओ यहाँ पर गर्ल्स का है, यहाँ बॉयज़ का है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ का दिखाऊंगा आप लोगों को। दोनों सेम है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओ हमारा खाना,
हाय हाय। एंड गाइस अब हम आपको दिखाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी का प्ले ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड यानी। सो गाइस ये फुटबॉल ग्राउंड है और इस तरफ एक और नया ग्राउंड बन रहा है, अभी दिखाना। वो नया ग्राउंड बन रहा है वहाँ पर हैंडबॉल का, और यहाँ फुटबॉल ग्राउंड है और आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सही चीज़ है, काफ़ी सही चीज़ है, मतलब लगता है कि यही ग्राउंड है बस। गाइस ये है DSVV का क्रिकेट ग्राउंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है, और यहाँ हर किसी को आना परमिशन नहीं है, हमें भी नहीं है, बट हम अभी जस्ट थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ना काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खिलाया जाता है, और मेरे को पता है क्रिकेट पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में मेरी बैटिंग नहीं आती थी, तो मैंने उसके बाद कभी क्रिकेट खेला ही नहीं। भाई डेली बास्केटबॉल कोर्ट, सॉरी कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वॉलीबॉल कोर्ट बीच में बताना, और कबड्डी कोर्ट। ओ भाई देख लो, मैंने देख लो लड़के की, ये सर ये रह गया ना एक कबड्डी प्रो, ये और ये बैडमिंटन कोर्ट है ना, और यहाँ पर मैं सारे गेम खेलता हूँ। और एक भी सारे गेम खेलता हूँ ठीक ना। तो अभी मैंने इसके साथ एक मैच करा था, और इसको मैंने कितने जीरो से हटा दिया। अरे भाई तू रहने, इसको मैंने अभी 7-0 से हटाया, मतलब हराया। तो आपको ग्राउंड वाला एरिया दिखा दिया, अब आपको आगे की यूनिवर्सिटी का टूर देते हैं। गाइस यहाँ के मतलब ग्राउंड के जस्ट बाजू में लाइब्रेरी है, जो तो अभी हम आपको लाइब्रेरी के अंदर ले जाएंगे, जो कि फोर्थ मतलब 4 फ्लोर जितनी बड़ी लाइब्रेरी है, जहां मैं कभी कभी जाता हूं, बहुत कभी कभी जाता हूं, मतलब बहुत कभी कभी जाता हूं। और आज हम जा रहे हैं टूर के लिए, और वहां ऊपर से बहुत प्यारा व्यू आता है ना। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों को लाइब्रेरी का व्यू दिखाऊँगा, और लाइब्रेरी से बाहर का व्यू दिखाऊँगा। सो ये सबसे टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी है, अंदर जाके क्या ही देखोगे यार, बाहर से भी वैसी दिखनी है, अंदर से भी वैसी दिखनी है। गाइस अभी मैं जो आप लोगों को व्यू दिखाने वाला हूँ, इतना प्यारा है ना, मतलब आप सोचो आप यहाँ बैठे हो और बाजू में इतना प्यारा व्यू है आपके, नहीं पढ़ने वाला का भी पढ़ने का मन कर जाएगा। भाई यहाँ इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बन गया, खिड़की खुलती है ये वाली, बट मैं खोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है, काफ़ी बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बन गया यहाँ। और इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे वो रेड और क्रीम कलर की जो बिल्डिंग है, वहाँ जाएंगे हम, वो यहाँ का मेन एजुकेशन हब है, लाइक जितने भी डिपार्टमेंट है, मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में है, श्री राम भवन नाम है उसका। तो अभी वहाँ चलते हैं अपन, और बाहर आगे थोड़ी हवा अंदर जा रही है, आनंद। हाँ मतलब ऐसा होता है ना कि इतनी सारी किताबें जब आसपास में हो जाती है ना, तो सांस लेने में दिक्कत जाती है थोड़ी, तो अभी हम चलते हैं वहाँ, वैसे पढ़ाई हम बहुत करते हैं, बट कर लेते हैं अपने हिसाब से ना, दिन भर पढ़ाई नहीं कर पाते हम, बट 1-2 घंटे रात को करते हैं। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, इसमें ऑटो फोकस है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि उजाला हो रहा है ना, पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अभी हमने खाना नहीं खाया, हम खाना खा लेंगे, और कुछ पॉइंट बाकी है, जैसे कैंटीन दिखाना बाकी है, और कुछ हॉल दिखाने बाकी है, अंदर का मेन कार्यालय दिखाना बाकी है, और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उसे कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी खा ले भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कल हमने आधी वीडियो छोड़ दी थी, और आज पवन और मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी की कैंटीन। चलो पवन आ जाओ, अब कैमरा तुम्हारे हवाले है, बाकी तुम कमेंट्री वगैरह करो, पकड़ ले भाई। ना पवन कर सकते हैं, आराम से एक एक चीज़ दिखाएंगे। बेसिकली कोई भी सामान लेने से पहले हमें यहाँ पर टोकन कटवाना पड़ता है।
पहले भोजन मंत्र तो कर लो यार, प्रार्थना करके खाना चाहिए। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। सो मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी टूर तो दे ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक यूनिवर्सिटी के कलाकारों का थोड़ा सा नमूना भी दिखा दिया जाए। तो पहले आप इनकी आवाज सुनिए। अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना कर रहे हैं, बट ऐसे ऐसे टैलेंट हमें हमारी यूनिवर्सिटी में जगह जगह दिखने को मिल जाते हैं यार। अभी चलो हम आपको गौशाला दिखाएंगे और श्री राम भवन दिखाएंगे, जो कि यहाँ का प्रशासनिक भवन है, जहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्री काम होते हैं वो सारे होते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आपको यूनिवर्सिटी टूर कराएंगे और हम लोग निकल चुके हैं। कैसी आ रही है फुटेज? सही आ रही। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, अभी जैसे हम लोग शूट कर रहे थे तो अचानक से 6 बज गए, और यहाँ पर एक रूल है कि 6 बजे से लेके 6:15 तक कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, मतलब सब लोगों को स्टैचू सब लोगों को एक जगह बैठना पड़ता है, मतलब उस टाइम कोई भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वहीं रुक जाएंगे, कोई चल नहीं सकता, कोई फिर नहीं सकता, सिर्फ 15 मिनट के लिए। मतलब अभी मौका मतलब अचानक से हुआ हमारे साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ओ भाई कितना सही लग रहा है ना। आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है, पर एकदम जितने भी कौवे हैं ना एकदम बहुत जोर जोर से वो कर रहे हैं, या तो सांप होगा यहाँ कहीं, तो ऐसा करते हैं बर्ड्स। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, यहाँ आम का बगीचा है, ये बहुत बड़ा आम का बगीचा है, तो जब आम पक जाएंगे तो हम तोड़ने जाएंगे और बहुत सारा फन करेंगे यहाँ पे, है ना अनुप कुमार? सो गाइज, हमारे पीछे जो इंस्टीट्यूट है वो बाल्टिक सेंटर है, यहाँ पर बेसिकली जो स्टूडेंट फॉरेन से आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, उनकी उन लोगों की पढ़ाई होती है यहाँ पर। यहाँ हम लोगों का जाना अलाउ नहीं है, मतलब हमारा कुछ काम ही नहीं है यहाँ, क्योंकि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये वाली जगह बना रखी है। तो बेसिकली यहाँ गौशाला है काफ़ी बड़ी और यूज। अभी इनके खाने का टाइम चल रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्हें। खा ले बेटा, खा ले। तुम्हें भी हमारे जैसे खाना मिलता है, कोई बात नहीं। काफ़ी बड़ी गौशाला है यहाँ से लेके वहाँ तक, और ऐसी एक इसके पीछे भी है। कम से कम यहाँ कितनी गाय होगी? 200-300 ना? हाँ 200-300 गाय होगी। देख, और ये भाई ने खेती करी थी, काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है भाई ने, ये एक पढ़ाई का हिस्सा है इनके। तो यहाँ बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट है, इसी से हर जगह सप्लाई होती है, और इवन ये लोग बाहर भी इतनी गैस क्रिएट करते हैं कि ये लोग बाहर भी बेचते हैं। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, और ये भी पढ़ाई करता है थोड़ी बहुत, बाकी मैं ज़्यादा करता हूँ, है ना। तो इस डिपार्टमेंट का नाम है विश्वकर्मा भवन। और यहाँ हमारा छोटा सा प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर है, तो आज मंगलवार भी है, तो राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अभी चलते हैं भगवान जी राम। सो यहाँ पर काफ़ी प्यारा सा गार्डन बनाया है, ये अभी बनाया हमारे आने के बाद, और इस गार्डन का जो वो ओपनिंग करी है वो उपराष्ट्रपति जी ने करी है यहाँ पर, उस टाइम मैं था नहीं वरना मैं दिखाता। ये है प्रशासनिक भवन, यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह, मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट यहीं हैं अंदर, सारे ऑफिस वगैरह HODs वगैरह के, जिन सारे डिपार्टमेंट के जो भी HODs के ऑफिस हैं लगभग सारे यहीं हैं। और अभी फ़िलहाल आपको रिसेप्शन दिखाते हैं।
प्रणाम गांडविया, कैसे हो? एंटर होते ही सामने सरस्वती माता की बहुत प्यारी फ्रेम है। और ये रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के जस्ट सामने पूरी यूनिवर्सिटी का 3D मैप है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पहले आप ऊपर से देख सकते हो, और अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा। ऊपर से देखने में काफ़ी ऐसा लगता है ना कि न्यूयॉर्क वगैरह में आ गए। मैप में कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हम पूरा टूर तो नहीं दे पाए, बट जो जो मेन चीज़ें थी जो मुझे लगती है वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और स्पेशल थैंक्स फॉर अनूप कुमार एंड पवन चौधरी। पवन चौधरी ने कल हमारे साथ शूट करा था और अनूप कुमार ने आज हमारे साथ शूट में मदद करी है, तो इन दोनों को बहुत थैंक्स मेरी तरफ से, दिल से थैंक्स, और बोल नहीं रहा हूँ मैं दिल से, बस ऐसे ही कैमरे के सामने। ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, यार आई लव यू यार, बोलना किसको था, बोल किसको रहा। अबे सो गाइस, ये है शौर्य दीवाल, वॉल ऑफ द रियल हीरोज़। तो यहाँ पर जितने भी हमारे वीर शहीद लोग हैं उन सब की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं, और जब भी यहाँ कोई मतलब मुख्य अतिथि आते हैं या गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पर अपना वो करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है ये हमारी यूनिवर्सिटी को ये वॉल। सो गाइस, ये हमारी क्लास है जिसमें लड़कियां हमेशा सोती रहती हैं, वो भी सो रही है, लड़के हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, देख रहे हो, ये भी सो रही थी अभी। दिखा तो रहा हूँ सिंसियर, सिंसियर का दूसरा नाम क्यों पुजारा, पवन चौधरी।